प्रणाली 2.2 अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा घनमूल ज्ञात करना। तो घनमूल ज्ञात करने के लिए पहले हम क्या करते हैं, गुणनखंड करते हैं। 64 के जो हमने गुणनखंड किए तो ये गुणनखंड दिखाए गए, देखिए। तो इस प्रकार से इसमें 6 खंड 2-2 के आ गए, 6 खंड आ गए। उसके बाद 3-3 के जोड़े बनाते हैं, तो एक ये जोड़ा बनेगा 3-3 का, एक ये, और 3-3 जोड़े में से एक ले लेते हैं, एक खंड बाहर आएगा। जिससे वर्गमूल में जोड़े बनाते हैं 2-2 के, 2 में से एक खंड वर्गमूल के अंदर से बाहर आता है। घनमूल निकालने में 3-3 के खंड करते हैं, 3 में से एक खंड बाहर आता है, तो ये 2 आ जाएगा, इससे 1-2 ये आ जाएगा, 2×2=4 हो जाएगा। इस प्रकार से 64 का घनमूल 4 हो जाएगा। अगर इसका उल्टा हम करें, 4 का घन करेंगे तो 4×4×4, 4×4=64, तो 64 का घनमूल निकालो तो 4 आएगा, 4 का घन करोगे तो 64 आ जाएगा।